उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में जानवरों से फसल की रक्षा के लिए खेत में लगाए गए बिजली के तार की करंट की चपेट में आकर एक कृषक और एक ग्रामीण की मौत हो गई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दो मौत से गांव में मातम का माहौल है, वहीं दोनों के परिवारों में कोहराम मचा हुआ है। सुदूरवर्ती गांव चंडीपुर निवासी राज बिहारी राय 55 वर्षीय गांव के किसान शेर सिंह खेत में बटाई करता था। बताया जा रहा है कि वर्तमान में उसने 4 एकड़ में बेमौसम धान की फसल लगाई है। परिजनों के अनुसार शनिवार की रात को खेत में ट्यूबवेल के पानी से सिंचाई चल रहा था, अचानक राजबिहारी गांव के ही मणिपद मंडल 50 वर्ष को साथ लेकर खेत का निरीक्षण करने चला गया। बताया जाता है कि वहां खेत में जानवरों से फसल की बचाव के लिए लगाए गए बिजली की तार की बाड़ की करंट की चपेट में आने से दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना कल लगभग ऐसे शाम से करीब 4-5 बजे से मतलब फ़ोन लगा रहे हैं तो फ़ोन लग नहीं रहा है। वो खेती वहाँ बटाई में जो है जंगल के किनारे बटाई में खेती धान लगा हुआ है उसमें, वो खेती में वहाँ गए तो फिर शाम को भी फ़ोन लगा, फ़ोन उठाए नहीं। तो रात भर जो है रात को कोई गए नहीं वहाँ, सवेरे जाके पता पड़ा कि वो वहाँ मतलब जो है करंट लगा हुआ है, दोनों दूसरे की बटाई खेती करते हैं वहाँ। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।